नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल क्रिएटिव किसान। आज हम इस वीडियो में एक एकड़ मूंगफली की खेती का संपूर्ण विश्लेषण इन 5 पॉइंट्स के आधार पर करेंगे। नंबर 1 लागत, नंबर 2 उत्पादन, नंबर 3 समय, नंबर 4 आमदनी, नंबर 5 प्रॉफिट कितना हुआ और प्रॉफिट परसेंटेज क्या रहा। इसके साथ ही वीडियो के अंत में जानेंगे कि मूंगफली की टॉप वेराइटियाँ कौन सी है जिनसे हम पर एकड़ औसत उत्पादन से ज़्यादा ले सकते हैं। यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। मूंगफली तिलहनी कुल की फसल है जिसकी खेती भारत के कई राज्यों में लार्ज स्केल पर होती है, जिनमें से कुछ प्रमुख राज्य इस प्रकार हैं: गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब राज्य शामिल। लेकिन पिछले कुछ सालों से मूंगफली का प्रोडक्शन साल दर साल घटा है, जिस कारण हमें मूंगफली का मंडी थोक भाव काफ़ी अच्छा मिलता है। आते हैं हमारे पहले पॉइंट लागत पर। एक एकड़ मूंगफली की खेती में कितनी लागत आती है? एक एकड़ मूंगफली की खेती में बीज की मात्रा लगती है 30 से 35 किलो। अगर आप सीड ड्रिल के माध्यम से बीज की बुवाई करते और रो से रो के बीज की दूरी 16 इंच रखते और बीज से बीज की दूरी 4 से 6 इंच रखते तो हमारे एक एकड़ में 35 किलो के आसपास सीड्स लगेंगे। एक किलो मूंगफली के बीज की कीमत 100 रुपये के आसपास रहती है अगर आप मार्केट से खरीदते हैं तो। इस तरह हमारा एक एकड़ मूंगफली की खेती में बीज का खर्च आएगा 3500 रुपये। आप इस खर्च को पूरी तरह से बचा सकते हैं अगर आप घर पर ही मूंगफली के सीड्स तैयार करते हैं तो। इसकी प्रोसेस काफ़ी आसान है। अगर आप चाहते हैं कि हम इस पर डिटेल में वीडियो बनाएं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बीज बुवाई के लिए हमें सीड ड्रिल की आवश्यकता लगेगी जिसका हमारा खर्च आएगा 500 रुपये। बीज बुआई के पहले आप बीज उपचार अवश्य कर लें। अब बीज उपचार किस तरह से करना है यह हम जानेंगे आमदनी निकालने के बाद। देसी गोबर की खाद का खर्च आएगा 3000 रुपये एक सीजन के लिए। बुआई के समय हम बेसल डोज डालते जिसका हमारा खर्च आएगा 3500 रुपये। बुआई के 30 से 35 दिन के बाद में हम रासायनिक खाद और माइक्रोन्यूट्रन डालते हैं जिनका हमारा खर्च आएगा 700। मूंगफली की फसल पर फंगस जनित रोग लगते हैं जैसे लीफ स्पॉट, लीफ माइनर, पाउडरी मेलुडी और एंथ्रोग्नोस। इन रोगों से हमारी फसल को बचाने के लिए हमें फंगीसाइड का छिड़काव करना पड़ता है जिसका हमारा खर्च आएगा 700 रुपये। मूंगफली की फसल पर वाइट फ्लाई, थ्रिप्स, एफिड्स का अटैक देखने को मिलता है। इन कीटों से हमारी फसल को बचाने के लिए हमें इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स का छिड़काव करना पड़ता है जिसका हमारा खर्च आएगा 1400 रुपये। खरपतवार नाशक का हमारा खर्च आएगा 600 रुपये। बुआई के 48 घंटे के अंदर अंदर आप खरपतवार नाशक का स्प्रे अपने खेत पर कर दीजिए। प्लांट ग्रोथ टोनिक का हमारा खर्च आएगा 400 रुपये। खेत की तैयारी का हमारा खर्च आएगा 3500 रुपये। मूंगफली की हार्वेस्टिंग के लिए हमें लेबर की आवश्यकता लगेगी जिसका हमारा खर्च आएगा 4000 रुपये। खेत से मंडी तक का ट्रांसपोर्ट चार्ज आएगा 1000। इन सब खर्च को जोड़कर एक एकड़ मूंगफली की खेती की हमारी लागत आएगी 22700 रुपये। मूंगफली की खेती में आप मल्चिंग पेपर का भी उपयोग कर सकते हैं। बहुत से किसान भाई आजकल मूंगफली की खेती मल्चिंग पेपर से करते हैं। इसमें हमारी मल्चिंग पेपर की लागत तो बढ़ जाती पर हमारा उत्पादन भी 1.5 गुना से इंक्रीज हो जाता है। लागत के बाद आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट उत्पादन। एक एकड़ मूंगफली की खेती से कितना उत्पादन होता है? मूंगफली की फसल अगर रोग मुक्त और कीट मुक्त है तो आपको एक एकड़ मूंगफली की खेती से मिनिमम 8 क्विंटल और मैक्सिमम 12 क्विंटल तक उत्पादन मिल सकता है। हम इन दोनों का एवरेज 10 क्विंटल लेते हैं यानी कि हमारा एक एकड़ मूंगफली की खेती से उत्पादन हुआ 10 क्विंटल। अब यह हमारा जो उत्पादन है यह पूरे भारत के किसान भाइयों को लेकर एक एवरेज उत्पादन लिया गया, इसलिए यह इंडिविजुअली चेंज हो सकता है क्योंकि हमने भारत के सभी राज्यों के किसान भाइयों को लेकर एक एवरेज उत्पादन निकाला है। मूंगफली की खेती से अच्छा उत्पादन लेने के लिए आप नीम की खली का प्रयोग कर सकते हैं। नीम की फली के प्रयोग से हमारा उत्पादन 15 से 20% तक इंक्रीज होता है। साथ ही साथ नीम की खली के प्रयोग से दीमक का नियंत्रण होता है और तो और हमारे पौधों को जरूरी पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन मिलते हैं। आप नीम खली को 150 किलोग्राम पर एकड़ की दर से अंतिम जुताई के समय अपने खेत में डाल दें। लागत उत्पादन के बाद आते हैं हमारे तीसरे पॉइंट समय पर। मूंगफली की खेती का सही समय क्या है व मूंगफली की खेती के समय साइकिल कितनी है? मूंगफली की खेती भारत के अधिकतर राज्यों में 2 सीजन में होती है, जायद और खरीफ के सीजन। जायद के सीजन का सही समय है फरवरी के अंतिम सप्ताह से मार्च महीना व खरीफ के सीजन का सही समय है जून और जुलाई महीना। लेकिन दक्षिण भारत के किसान भाई
मूंगफली की खेती तीनों सीजन में कर सकते हैं। बीज बुवाई के 30 से 35 दिन के बाद में फूल आने लगते और 100 से 120 दिन के अंदर हमारी फसल हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती। इस तरह एक एकड़ मूंगफली की खेती की समय साइकिल हुई 4 महीने। लागत, उत्पादन व समय के बाद आते हैं हमारे चौथे पॉइंट, आमदनी। एक एकड़ मूंगफली की खेती से कितनी आमदनी होती है? मूंगफली की MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस भारत सरकार द्वारा 5,275 रुपए पर क्विंटल तय किया गया, लेकिन जब हमारी फसल हार्वेस्टिंग के लिए आती है उस समय हमें अक्टूबर और नवंबर के महीने में 3200 से 3500 रुपए पर क्विंटल का भाव मंडी में मिलता है। इसके कुछ ही दिन बाद में हमें मंडी में मूंगफली का प्रति क्विंटल भाव 5200 से 5500 रुपए तक मिलता है, लेकिन फिर भी हम मूंगफली का मिनिमम सपोर्ट प्राइस ही लेंगे, यानी कि मूंगफली का एक क्विंटल का मंडी थोक भाव है 5275 रुपए। हमारा उत्पादन हुआ था 10 क्विंटल व एक क्विंटल का हमने मंडी थोक भाव लिया है 5275 रुपए। इस तरह हमारी एक एकड़ मूंगफली की खेती से आमदनी हुई 52,750 रुपए। अब जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि हम मूंगफली का बीज उपचार कैसे करें, इसे जानेंगे आमदनी निकालने के बाद। आप मूंगफली का बीज उपचार मेनकोजिप 63% और कार्बिंडाजम 12% 50 ग्राम लेकर प्रति 10 किलोग्राम के बीज की दर से इसमें मिला दें। इस तरह हमारा बीज उपचार का खर्च आएगा 170 रुपये। बीज उपचार, फंगीसाइड और स्प्रे शेड्यूल और खाद के शेड्यूल, अगर आप डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम आपके लिए वीडियो लेकर आ जाएंगे। लागत, उत्पादन, समय, आमदनी के बाद आते हैं हमारे पांचवें पॉइंट, प्रॉफिट कितना हुआ और प्रॉफिट परसेंटेज क्या रहा। प्रॉफिट निकालने के लिए हम सिंपल कुल आमदनी में से लागत को घटा दें तो जो आंकड़ा हमें मिलेगा या हमारा प्रॉफिट है। हमारी आमदनी हुई थी 52,750 रुपये और लागत आई थी 22,700 रुपये। इस तरह हमारा प्रॉफिट हुआ 30,000 रुपये और प्रॉफिट परसेंटेज रहा 130%। अब वीडियो के अंत में जानते हैं कि मूंगफली की टॉप वेराइटियाँ कौन सी। हमारी पहली वेराइटी है HNG10। इसकी फसल 120 से 130 दिन में आ जाती है व प्रति एकड़ हमें 10 से 11 क्विंटल उत्पादन मिलता है। हमारी दूसरी वेराइटी RG425, जिसे आप राज दुर्गा के नाम से भी जानते हैं। इस वेराइटी की खास बात यह है कि इसके पौधे सूखे के प्रति सहनशील है व इस वेराइटी के पौधों में कलर रोट नामक बीमारी नहीं देखने को मिलती है। इसकी फसल 120 से 125 दिन में हार्वेस्टिंग के लिए आ जाती है व पर एकड़ हमें 12 क्विंटल से 15 क्विंटल तक उत्पादन मिलता है। हमारी तीसरी वेराइटी है TG37A। इसकी भी फसल 125 दिन के लिए हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। इसमें हमारा उत्पादन 9 से 10 क्विंटल पर एकड़ मिलता है। हमारी चौथी वेराइटी है GG2। इस वेराइटी में आपको एक फली में दो दाने मिलेंगे और इसकी फसल 120 दिन में तैयार हो जाती है और इसमें पर एकड़ हमारा उत्पादन 12.5 क्विंटल के आसपास मिलता है। इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। हम इस वीडियो पर 2000 लाइक्स का टारगेट रखते हैं, इसलिए फटाफट से लाइक करके हमारे टारगेट को कंप्लीट करें। अगर हमारा यह टारगेट कंप्लीट हो जाता है तो हम आपके लिए मूंगफली की खेती में स्प्रे शेड्यूल, खाद का शेड्यूल, बीज उपचार किस तरह से करें व बीज की बुवाई किस तरह से करें, इस पर डिटेल में वीडियो लेकर आएंगे। इसलिए लाइक के टारगेट को कंप्लीट करें और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आपके मूंगफली की खेती से जुड़े कोई सवाल है तो आप हमें उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।